कर्नाटक की हुकूमत ने जनूबी कर्नाटक के 4 लोगों के खानदानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है जो मुख्तलिफ मामलात में फिरकावराना मुनाफरत में मारे गए थे। बीजेपी कारकुन के साथ 3 मुस्लिम नौजवानों के अहल खाना को मुआवजा देने का ऐलान किया है। मंगलुरु में 4 अफराद के खानदान को 25 लाख रुपये और 4 अफराद के खानदान को कुल 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का वजीर आला सिद्धरामैया ने ऐलान किया है। सूरतकल के मसूद फाजिल जलील और दीपक राव के खानदानों के लिए ये मुआवजा दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा जिसे रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने 19 जून को मुतल्लिका खानदानों को पहुंचाने का फैसला किया है। वाजह हो कि सीएम ऑफिस में ये इमदादी रकम दी जाएगी। 2022 में फाजिल जो 28 जुलाई को सूरतकल में मारा गया था, बीजेपी के दौरे हुकूमत में इन लोगों की अमवात हुई थी लेकिन बीजेपी हुकूमत ने मुतासबाना रवैया इख्तियार करते हुए मुस्लिम मरहूमिन को नज़रअंदाज किया था जिसकी वजह से इन्हें मुआवजा नहीं मिला था। अब कांग्रेस हुकूमत ने इन मरहूमिन के लवाहिकीन को मुआवजा देकर अपने समाजी इंसाफ का सबूत दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।